नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला से खतियान बन सकता है क्या। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल कुछ सब्सक्राइबर का है, उनके मन में ये कंफ्यूजन था, इसी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सभी इस चीज को जानते हैं कि खतियान से केवाला बन सकता है, लेकिन क्या केवाला से खतियान भी बनता है? तो दोस्तों, इसका जवाब नहीं भी है और हाँ भी है। अब चलिए जानते हैं, नहीं है तो कैसे और हाँ है तो कैसे। तो पहले नहीं को जानते हैं। तो दोस्तों, खतियान से केवाला बनता है। खतियान तब बनता है जब सर्वे किया जाता है, तो सर्वे के समय खतियान तैयार हुआ, और जब खतियान तैयार हुआ, सर्वे समाप्त हुई, खतियान तैयार हो गया है, तो कोई भी खतियानधारी, जिनके नाम से खतियान है, वह खतियानधारी किसी अन्य व्यक्ति को जमीन बेचेंगे, तो जिनके पास वो बेचेंगे उनका जमीन रजिस्ट्री का पेपर बनेगा। मतलब केवाला या बैनामा भी हम उसे कह सकते हैं। तो खतियान से केवाला बन गया, ठीक है। अब बात है कि केवाला से क्या खतियान बनेगा? तो दोस्तों, केवाला से खतियान नहीं बनेगा, क्योंकि केवाला से हम रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर खतियान नहीं बना सकते हैं। केवाला से केवाला ही बनेगा, ठीक है। जब भी मेरे पास केवाला है, अर्थात बैनामा या फिर जमीन रजिस्ट्री का पेपर कहें, उससे हम किसी को जमीन बेचेंगे तो उनका भी जमीन रजिस्ट्री का पेपर ही बनेगा, अर्थात केवाला या यूं कहे बैनामा, तो यही पेपर बनेगा। तो केवाला से खतियान नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब बात चलते हैं कि केवाला से खतियान बनता भी है तो कैसे बनता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम से जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, मतलब केवाला है, और सर्वे होने लगा, सर्वे हो रहा है, तो सर्वे के समय मानचित्र और खतियान दोनों तैयार होता है। तो सर्वेयर जब आपके पास आएंगे तो आपसे दस्तावेज मांग करेंगे, तो आपके पास केवाला होगा, उस केवाला को आप पेश करेंगे, तो उस केवाला के आधार पर आपका खतियान तैयार किया जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप समझ गए कि केवाला से खतियान नहीं भी तैयार होता है और होता भी है। नहीं होता है इसलिए कि आप केवाला से रजिस्ट्री ऑफिस जाकर खतियान नहीं बना सकते। होता इसलिए है कि केवाला से आप सर्वे के समय खतियान आपका बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक।